डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पुलाव, जिसके लिए हम लेंगे 750 ग्राम चिकन, 1.5 कटोरी मैंने लिया गोल्डन सेला चावल, ग्राम के हिसाब से ये 300 है, हमें इन्हें 1.5 घंटा भिगोना है। तेज पात दो लेंगे, तेज पात, एक चक्री फूल, एक बड़ी इलायची उसका मुंह खोल लें, दो छोटी इलायची इनका भी मुंह खोल लें, 15 दाने मैंने लिए काली साबुत मिर्ची, एक छोटा मैंने लिया है दालचीनी, दो लौंग, 3 प्याज लंबे कटे हुए, 4 हरी मिर्ची स्लिट करी हुई, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने लिया है देगी मिर्ची जो कलर देगी, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी, नमक आप स्वाद अनुसार लीजिए, मैंने 1 टीस्पून लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने लिया जीरा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 नींबू, 1 इंच अदरक मैंने घिस लिया है, 15 कलियाँ लहसुन की मैंने बारीक काट ली हैं, 2 पिंच मैंने फूड कलर लिया है रेड कलर का। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन चावलों को 1.5 घंटा भिगो लेंगे, मैंने भिगो के रखे हुए हैं, चलिए इसे बनाते हैं। एक पैन ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर फैलाकर उसे हम गरम कर लेंगे। गरम होने के बाद इसको हम मीडियम कर देंगे और मीडियम गैस पे ही हम चिकन को सौते करेंगे। 4 से 5 एक साइड से, 4 से 5 मिनट दूसरी साइड से, हम दोनों साइड से सौते करेंगे। इस ढंग से आराम से डालें, हाँ इसको हम सौते कर लेंगे। ये हो गए हैं 5 मिनट, अब इसको हम पलट देते हैं। अब पलट के भी हमने इसे 4 से 5 मिनट तक सौते करना है। ये देखिए ये हो गए हैं, ये दोनों साइड से इस ढंग से बहुत अच्छा कलर आ गया है, सौते हो गए हैं। अब इसको हम बंद कर कर साइड में रख देंगे। अब एक कुकर ले लेंगे, हम अपना चिकन पुलाव कुकर में बना रहे हैं, उसमें थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा देसी घी डालकर गरम कर लेंगे। हाँ ये गरम हो गया, सबसे पहले हम खड़े मसाले डालेंगे, उनका फ्लेवर आ जाए, उसको चला लेंगे थोड़ा सा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें लहसुन जो बारीक कटा हुआ है हमारा, उसको भी चला लेंगे और हल्का पिंक कर लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें जीरा, वो भी फूल के ऊपर आ रहा है। अब इसमें हम अपने लंबे कटे हुए प्याज डाल देंगे और उसको लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। इस ढंग से ये भून गए हैं, अब इसमें हम सबसे पहले अपने लाल मिर्ची पाउडर जो दोनों हैं, देगी मिर्ची लाल मिर्ची पाउडर को मिक्स करेंगे, वो कलर अच्छा देंगे। इस ढंग से अब डालेंगे नमक, हल्दी और ये गरम मसाला डाल के अच्छे से मिक्स कर लें मसालों को। मिक्स हो गए हैं, अब इसमें हम पानी डालेंगे, हाँ धीरे धीरे करके, हाँ धीरे धीरे करके डालें। हाँ हमें कम से कम 3 कटोरी पानी डालना है इसमें, अगर हमारे 1.5 कटोरी चावल हैं तो 1 कटोरी और डाल देंगे, 3 कटोरी हो जाएगा। हाँ भर के और इसको गर्म कर लेंगे, उबल गया पानी, इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे, अदरक का जो हमने पेस्ट है उसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पानी निकाल कर चावलों को डाल देंगे और उसको चला लेंगे अच्छे से, इसमें मिक्स कर दें। अच्छे से चलाने के बाद 8 मिनट तक इसको हम मीडियम गैस पे पकाएंगे। ये हो गए हैं, अब इसे हम अभी खुले में भी 2 मिनट तक पकाएंगे। तब तक हम एक आयरन का तवा ले लेंगे, ये देखिए
आयरन का तवे को हम दूसरी गैस पर गर्म करने रख देंगे, तब तक हमारे चावल पक रहे हैं 2 मिनट तक। हाँ, अब इसमें हम चिकन डाल देते हैं और चिकन को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। हाँ, अब इसमें हम नींबू जो हमने काट के स्लाइसेस करके इसमें रख देंगे और हरी मिर्ची रख देंगे। मैंने अभी गैस तेज़ नहीं करी है। अब इसमें हम फ्रूट कलर पानी मिक्स कर एक साइड पर डाल देंगे उसे घोल के, और उसको अब हम ढक्कन लगा देंगे कुकर का। अब जो हमारा आयरन का तवा गर्म हो चुका है उसको इस कुकर के नीचे रखेंगे इस ढंग से, और कम कर गैस कर 15 मिनट तक इसे हम इसी ढंग से पकाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं, अब इसे बंद कर ठंडा करके खोलेंगे। ये ठंडा हो गया है, इसे हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो ये नींबू के स्लाइस हैं इन्हें निकाल देंगे जो हमने पत्ते पत्ते काट के ऊपर लगाए थे। ये निकाल दिए। अब इन कलर को और चावलों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए सब मिक्स हो गए। चलिए इसे सर्व करते हैं। ये देखिए हमारा चिकन पुलाव तैयार है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।